गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITS के बारे में, ITS की न्यू अपडेट्स के बारे में बेसिकली। तो आज की वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और घंटे को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे आपको जो हमारे नए अपडेट्स हैं, नए नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना करवाते हैं ITS की न्यू अपडेट की वीडियो तरफ। तो भाई आपको बता दूँ, जैसे कि आपको बताइएगा आप ITS का जो सीजन 3 आया था उसके अंदर आपको जो कई सारी चीज़ें दिखी थी, जाने की स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि आपको जो मिला था स्टैचू ऑफ यूनिटी उसके अंदर आपको जो कई सारे मिशन देखने में मिले थे। जैसे कि आपको बताऊँ उसके अंदर जो सारे मिशन आपको ओपन नहीं मिले थे, अभी फुल्ली जो सीजन 3 ओपन नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर आपको अभी थोड़े और अपडेट आपको देखने में मिलने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि जो अपना कस्टम मोड है उसके अंदर कोई चेंजेस होने वाले हैं, नहीं होने वाले, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई जो कस्टम मोड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस है वो होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कस्टम मोड अभी भाई बिल्कुल सेम रहने वाला है। हाँ, अभी अगर जब वेक 12 आ जाएगा तो भाई वो आपको मिलने वाला है किसी चैलेंज मोड के अंदर या फिर आपको किसी मिशन के अंदर। जैसे कि आपको आप पता ही होगा कि आपने जैसे भी मिशन आया था अपने अभी सीजन 3 के अंदर, जिसमें आपको जो जैसे भी ट्रांसपोर्ट करनी थी अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, क्योंकि भाई वो बिल्ड हो रहा है, तो भाई ऐसे कुछ जो एनिमेशन करके या फिर ऐसे कुछ जो एनिमेट करके इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता है। आपको पता ही होगा जो वैक्टर लोकोमोटिव वो स्पेशल बनाया गया अपने गुड्स ट्रेन के लिए, हैवी गुड्स ट्रेन के लिए, जल्दी पहुँचाने के लिए उनको, या फिर उनको जो है मतलब अच्छे से पहुँचाने के लिए, या फिर किसी हिली एरिया के लिए जहाँ पे जो ट्रेन स्लिप ना करे वहाँ पे जो इसको पहुँचाया गया। आपको पता ही होगा जो अपना माउंटेन एरिया भी आया था अपने सीजन 3 के अंदर, तो भाई वहाँ पे जो अपना वैक 12 का यूज़ हो सकता है, या फिर किसी वैक 12 को अलग से कैरियर मोड के अंदर, या फिर किसी मिशन के अंदर जिसमें आपको ओनली आपको गुड्स ट्रेन देखने को मिले, आपको उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है अपना वैक 12 लोकोमोटिव, जहाँ पे सारी गुड्स ट्रेन आपको चलाने को मिले या फिर पूरा गुड्स ट्रेन का सेक्शन उसके अंदर हो। तो भाई वैक 12 लोकोमोटिव जो है इनके अंदर आ सकता है। उसके बाद जो आपको बता सकता हूँ, उसके बाद जो दूसरा अपडेट देंगे उसके अंदर जो वेक्टर लोकोमोटिव कस्टम मोड के अंदर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कस्टम मोड के अंदर वेक्टर लोकोमोटिव नहीं मिलने वाला, आपको पहले मिलने वाला कैरियर या कैरियर मोड में या फिर किसी मिशन मोड में, मिशन मोड के अंदर। तो भाई आपको बता दूँ उसके साथ आपको मिलने वाले हैं और जो है उत्कृष्ट कोच के रैक्स मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाएगा। भाई आपको बता दूँ जो उत्कृष्ट कोच के रैक हैं और जो अपना वेक्टर लोकोमोटिव है बिल्कुल रेडी है, इनको बस खाली प्लानिंग करनी है फिर किसी चैलेंज के साथ या फिर किसी और जो चीज़ के साथ इनको जो लेके आएंगे वो अभी कुछ भी इनका जो प्लान हो सकता है कि मतलब कि किसके साथ लेके आएँ। तो भाई वही जो है अपडेट ये जो उत्कृष्ट कोच का और ये अपना संटिंग लोकोमोटिव या फिर अपना जो बैक टू लोकोमोटिव है ये जो सब कुछ रेडी है। तो भाई अपना जो अपडेट है वो जो किसी टाइम भी ला सकते हैं या फिर किसी भी प्लानिंग के साथ जो है अपना अपडेट है वो लेके आ सकते हैं। तो आप बताते हैं आपको जो रिलीज़ डेट के बारे में, तो रिलीज़ डेट आपको बता दूँ जो रिलीज़ डेट है इसकी वो हो सकती है अपने अक्टूबर में, भाई अक्टूबर के मिड में, या फिर आप बोल सकते हो अक्टूबर अप जो अपना अक्टूबर है उसके अंदर ये आ सकता है अपना अल्फ़ा के लिए। तो भाई अगर अल्फ़ा के लिए आ गया तो सबको पता ही है कि अल्फ़ा के बाद एक दो दिन के बाद अगर कोई बक्स या बक्स वगैरह नहीं आते हैं तो भाई जो अपना अपडेट है वो पब्लिक के लिए भी आ जाता है। तो वीडियो कैसी लगी तो आपको फटाफट से कमेंट्स में बताना, कोई आपको और इश्यू हो या फिर किसी और चीज़ आपको वीडियो चाहिए फटाफट से वो भी कमेंट्स में बता देना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।